आप सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज बहुत ही रोचक प्रसंग लेके आया हूँ। प्रसंग तो डेली रोचक होता है, ठीक है। अब अगर ग्रहण करने को मिल गया, कोई अच्छी बात मिल गई तो प्रसंग रोचक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्रसंग बहुत ही रोचक है। अब आज का हमारा विषय होगा ये सीता। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि पत्नियाँ और लोग प्रताड़ित ज़्यादा करते हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप पत्नियों की प्रताड़ना के ऊपर बनाओ। हमने कहा तब शुरू कहाँ से करें, तो हमने शुरुआत किया भगवान राम से। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मानस को एक उदाहरण देने के लिए प्रस्तुत हुए थे कि सीता जी को वनवास हुआ क्यों। देखो मित्रों, जीवन में जो कुछ होता है वो सब एक निमित्त होता है। जो होना है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं पाएगा। और ये परमात्मा की एक इच्छा है कि हम आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सांसें लिखी हुई हैं उतनी सांसें लेनी है, उससे ज़्यादा कोई एक सांस ले नहीं पाएगा। और इस मर्म को जो जान गया उस माया मोह से वो छूट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अगर इतना ज्ञानी हो, इतना सब कुछ हो, तो आप क्यों काम करते हो। भैया काम करना है, जगह जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम भगवत प्रेमी सज्जनों, आप लोगों के बीच में अभी फंटी ठीक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाथ कहीं और है तो फंटी ठीक कर रहा हूँ, फंटी नीचे खिसक जाता है। मैं फंटी के लगा रहा था मैं मोबाइल, लेकिन क्या है मोबाइल ढमड़िया जा रही थी बार बार। तो हमने कहा कि ये फंटी लगाते जो है, लेकिन भैया क्या है कि दिन भर जो है भगवान तो स्मरण करते रहो, तो हमेशा करते रहो। अब होता क्या है कि एक बार एक दंत कथा है कि सीता जी अपने बाग में बगीचे में विचरण कर रही थी, तभी तक एक कहीं उनकी निगाह पड़ती है एक पेड़ के ऊपर। उस पेड़ पर क्या होता है कि एक सुग्गा और एक सुग्गी, जिसे शुका और शुकी कहते हैं, वो बैठे हुए थे। वो आपस में विचार कर रहे थे कि एक राजा जनक की पुत्री होगी, सीता नाम है, उसका विवाह होगा। किससे होगा? राजा राम से होगा। इस प्रसंग को सुनकर के सीता के मन में थोड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ, और कौतूहल उत्पन्न होने के बाद में सीता जी क्या करती हैं, कहती हैं अपनी सहेलियों से कि इन शुका शुकी को पकड़ लो। चूंकि मित्रों पकड़ने का उद्देश्य कोई गलत नहीं था, ये था कि हर अपने बारे में भाई आदमी थोड़ा सुनता है तो सब कुछ जानना चाहता है, तो यही सीता का भी उद्देश्य था कि इनको पकड़ करके इनसे कुछ और जाना जाए, क्योंकि ये सीता के बारे में बात कर रहे थे। जब पकड़ लिया तो उस टाइम क्या है कि शुका और शुकी जो थे, ये दोनों जो है, शुकी उस समय क्या थी, गर्भावस्था में थी। शुका ने काफी इन्होंने विनय किया सीता जी से कि आप छोड़ दीजिए हम दोनों को, और हम दोनों जाने के बाद में जब एक नियत समय होगा उसके बाद में पुनः आपके पास में वापस आ जाएंगे। सीता जी ने उस अनुनय विनय को ना माना, और सीता जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो आप जा सकते हैं, लेकिन शुकी को यहीं रहना पड़ेगा। शुकी ने अपने पति की विरह को देख करके के वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। उस शुकी के प्राण त्याग को देखते हुए जो शुका था, सुग्गा जो था, उसने सीता माता को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज वियोग में मेरी पत्नी को आप अपने पास रख रही हैं, इस अवस्था में ऐसे ही जब आपका दिन होगा तो इसी अवस्था में आपके पति भी आपको त्याग देंगे, आपको अलग रहना पड़ेगा। तो मित्रों होता क्या है कि सीता जी जब जंगल में होती हैं, उनका हरण करना होता है, रावण आता है। हम लोग बहुत कहानियां सुनते हैं कि रावण क्या करता है, नकली वेश बना के आता है, नहीं तो सीता जी पहचान जाती। एक जगह लिखा भी है कि आया निकट यति के वेशा। जब वो आता है माता जी के पास में तो यति के वेश में आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो नकली है, तो यहाँ पर सीता जी हैं वो भी असली नहीं हैं। अब ये आप लोग मानेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमें ये कैसे कह सकता हूँ। तो भैया जिसके विचार विमर्श के बाद में, जिसकी पुस्तकें पढ़ने के बाद में, जिसके ज्ञान को अर्जन करने के बाद में हमने ये माना है कि राम ने क्या किया कैसे किया, उन्हीं की किताबों में ये भी लिखा हुआ है। लेकिन जब रावण के पास सीता जी के पास में आता है तो माता जी इसको कुरेजती हैं कि नकली वेश में है, उसके बावजूद भी देखिए रावण क्या करता है कि सुनत वचन दस शीश रिशाना, सुनत वचन दस शीश रिशाना, मन मह चरण बंद सुख माना। अब अपने मन में जो है वो सुखी हो जाता है, ऊपर से तो दिखाई देता है कि मैं नाराज हूं, मुझे नकली कर रही है, साधु के वेश में आया है, नकली कपटी जो भी पाती हैं।
लेकिन उसको नहीं पता है कि सीता जी जो भी हैं ये क्या हैं, ये भी नकली ही हैं। ये मरम बहुत लोगों को नहीं पता है, आज तक हो सकता है सब लोगों को पता हो या हमारे जैसे विद्वान लोगों को ही पता है। होता क्या है इसमें कि भगवान राम को जब ये चरितार्थ करने होते हैं, जब ये सब कुछ कला करनी होती है, भगवान सब कलाओं के निपुण हैं, देवता हैं, परमार्थ हैं, परमात्मा हैं, परमपिता परमात्मा हैं, करुणा निधान हैं, क्या क्या उपाधियां दी जाए, तब उस टाइम वो एक जुगत करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं कि राम को यहां से कहीं और भेज दिया जाए, अन्यत्र भेज दिया जाए, ताकि राम को भी ये बात पता ना चले। तो करते क्या है, यहां राम जस जुगुति बनाई, यहां राम जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। अब वहां पे जो है क्या करते हैं, एक ऐसी जुगत बनाते हैं कि लक्ष्मण को वहां से भेज देते हैं, लेकिन ये कथा सुनहु उमा सो कथा सुनाई, ये कथा पार्वती जी को शंकर जी बताते हैं। क्या होता है, लक्ष्मण गए बन ही जब, लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन फूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख ब्रंद। जब भगवान राम लक्ष्मण को भेज पाए कि जाओ भैया फल फूल ले आओ जो है, तब जब समय मौका मिला तो जनक सुतासन बोले, जनक की पुत्री के साथ में सीता के साथ में भगवान राम बोलते हैं बिहस कृपा, हंस करके कृपा सुख ब्रंद। क्या कहते हैं, सुनहु प्रिया, सुनिएगा कितना बढ़िया मरम है, सुनहु प्रिया व्रत यचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत यचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। आप मेरी बातों को सुनिएगा, अब मैं कुछ नर लीला करने वाला हूं। अब नर लीला क्या करूंगा, तुम पावक मह करव निवासा, तुम पावक महु करव निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। आप क्या करिए कि आप आग में समाहित हो जाइए, कब तक, जब तक मैं निसाचरों का नाश ना कर दूं। ये सीता को कहकर के भगवान राम कहते हैं, और सीता जी आग में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सीता के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता चल जाएगा तो निसाचर का नाश कैसे होगा। तो इसमें जो है नकली सीता जाती हैं। तो क्या होता है इतना सुनते ही, कि जब लगी करहु निसाचर नासा, और जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अयनल समानी। अब आजकल जैसे औरतें नहीं है, क्या है कि तुम कह रहे हो आम वो करती हैं इमली हैं, तो बड़ी बड़ी फरमाइशें, बड़ी बड़ी चीजें, अब बैठता ही नहीं है किसी का पति के साथ पत्नी से। अब मैं दूसरे क्यों कहूँ, मेरा खुद की बात है, मैं ठीक है, ये सब बातें थोड़ा धीमे से बोलने लायक रहती है, कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो इसमें जब सीता जी सुनती हैं, उसके बाद में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है वहां पर, तो क्या होता है, प्रभु पद धारी ही है या नल समानी। अब भगवान को अपने हृदय में वास करके अनल मतलब आग में समाहित हो जाती हैं, और प्रभु पद धरि ही अयनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, वहां पर अपना प्रतिबिंब छोड़ देती हैं, और निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसय शील रूप, तैसय शील रूप सुविनीता। अपने जैसे ही बिल्कुल टू कॉपी जो कहते हैं, अब हम लोग कॉपी नहीं कहते, कॉपी कर लो भैया, कॉपी देखो चीज एक सी होती है, लिखी एक जगह जाती है, कॉपी करोगे एज इट इज वैसे कॉपी आ जाएगी। तो अपने ही जैसे एक प्रतिबिंब का रूप आकार बना करके वहां पर छोड़ देती हैं। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, अब इसको लक्ष्मण को भी नहीं पता है चीज, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। अब यहाँ पर भगवान राम ने कुछ लीलाएं रचने के लिए जो है सीता जी को अग्नि में समाहित कर दिया, तो आप ये मान के चलिए अगर रावण नकली था तो सीता भी असली नहीं थी। लेकिन अब भगवान को लीला करनी थी, भगवान को दिखाना था सब कुछ, तो इसलिए जो है लीलाएं कर रहे हैं। क्या होता है कि इसका एक वर्णन क्या होता है और आता है, जब सीता जी प्रतिबिंब ही था तो भगवान राम ने सीता को वहां से वनवास से निकाला, क्यों वनवास से मतलब क्या, अयोध्या से निकाला, ठीक है, अयोध्या से निकालने के पीछे क्या रीजन था भाई, एक मानव के जीवन में, एक मानव के बीच में उदाहरण जाना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ कह रहा है
क्या रीजन है, क्यों है, कैसे है, जबकि सीता जी ने क्या है अग्नि में प्रवाहित होकर के वहां पर भी अपने सत्य की जो है परीक्षा दी थी। तो इसमें क्या होता है कि जब सत्य की परीक्षा दी तो इस बात से जैसे हम लोग आज भी नाराज हैं कि जब सीता जी ने सत्य की परीक्षा दे दी तब क्यों निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी स्मरणीय तुलसीदास बाबा जी ने एक जगह और लिखा हुआ है, श्रीखंड समपावक प्रवेश, श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। भगवान का स्मरण करके अग्नि में समाहित हो गई, ये बाबा जी ने भी कहा है। उसके बाद में भी भगवान राम निकाल देते हैं तो इसमें क्या होता है कि भगवान जो सबके प्रिय होते हैं, यहाँ पे भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि आप लक्ष्मण ऐसा करो कि सीता जी को यहाँ से ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सीता की एक बार इच्छा थी, सीता ने इच्छा प्रकट की थी कि वो वाल्मीकि वो उधर नदी के तट पर बने आश्रमों को देखना चाहती हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान लक्ष्मण जो है मन ही मन विचार करते हैं कि अब ये बड़े भाई हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। अब भाई दोनों वचन मानना है, एक तो बड़े भाई हैं, दूसरा सोचते हैं भगवान राम ने पहले ही सौगंध दे दी थी कि आप जो भी कुछ कहूंगा आपको बिना किसी प्रश्न के आपको वो काम करना है। अब वो काम करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान लक्ष्मण को जाना हुआ। जब भगवान लक्ष्मण को जाना होता है तो भगवान लक्ष्मण मन ही मन पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि कहूं का। तो सीता जी ने जब कहा था भगवान राम से कि मैं गंगा तट पर जाना चाहती हूं, उसका एक संस्कृत में श्लोक भी आया हुआ है, पूर्व मुक्तो हमन्मया गंगा तीरे हमाश्रमान, पूर्व मुक्तो हमन्मया गंगा तीरे हमाश्रमान। तो कहते हैं कि सीता जी ने एक बार इच्छा प्रकट की थी कि वो गंगा के तीर पर आश्रमों का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान राम की बातों को सुन करके लक्ष्मण मन ही मन विचार करते हैं कि जाऊं ना जाऊं। उसके बीच में मन में एक सोच आता है कि भगवान राम अभी कुपित हो जाएंगे तो उनका एक मन में विचार ये सोचते हैं कि एक बार मारीच था, मारीच के बाद में मारीच में होता क्या है कि जब लगता है मारीच को कि उसको अब मार दिया जाएगा, राक्षस मार देंगे, तो सुररंजन भंजन मई पारा जो भगवंत लीन अवतारा, तव मय जाय बैरहठी करी हो प्रभु सरते भव सागर तरी हो। जब रावण मारीच को परेशान करता है और कहता है कि तुम्हें मृग का वेश धरना पड़ेगा, मारीच कहता है नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तो रावण कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुनकर के अपने आप मन ही मन मारीच विचार करता है कि इसके हाथ से मरने से अच्छा क्यों ना प्रभु के दर्शन करूं, और मरना ही है तो दुहू भांति देख कैसे जब मरना तब ता कैसे रघुनायक सरना। जब उसने देखा कि दोनों भांत से मरना ही है तो क्यों ना प्रभु के पास में ही चलें, वहीं पे ही मोक्ष की प्राप्ति करें। अब इसके बाद में सीता जी वहां पर चली जाती हैं, लक्ष्मण जी छोड़ आते हैं, सीता जी के पुत्र उत्पन्न होते हैं। रामचरितमानस में देखो लिखा हुआ है कि तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि सबके दो दो पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पे राम का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं बाबा जी, देखिए कितना प्रेम भाषा में लिखा है, द्वसुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण न गाए। वेद पुराणों में भी लव कुश की व्याख्या है, और तो लोगों को नहीं पता है दो दो पुत्र थे, तो बात सही है लेकिन और पता नहीं चल रहा है, लेकिन लव कुश की देखिए कितना महिमा मंडित हो रहा है, हर जगह सबको जानता है, ठीक है, बट लव कुश की पहचान कराने की जरूरत नहीं, सबको जानता है भगवान राम के दो पुत्र थे लव कुश। तो बाबा जी यहाँ पे लिखते हैं, दुय सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण न गाए, दो विजयी बिनई गुण मंदिर हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, दो दो सुत सबके हैं। लेकिन यहां पर भगवान राम को ना लिख करके बाबा लिखते हैं कि सीता के दो सुत हैं,
अभय रूप गुणशील घनेरे। तो ये बाबा जी लिखते हैं, ठीक है, अपने पुस्तकों में। क्यों? क्योंकि बाबा जी भी इन बातों से व्यथित होते हैं कि भगवान राम को जब सब पता था और जब ये पावक की ही थी, तब इनको इतना परीक्षा लेने के उपरांत भी क्यों इन्होंने इनको वनवास भेज दिया। अब वनवास भेज दिया जबकि भगवान राम ऐसे हैं, कृपा निधान करुणा निधान हैं कि वो सबको न्याय देते हैं, लेकिन जब भगवान राम ही आज गलत कर रहे हैं तो न्याय देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो न्याय देने वाला जब कोई नहीं है तो फिर क्या होता है कि इसमें कवि लिखता है। कवि लिखता क्या है कि इसमें कवि कहता है, अब वो कवि कहता है तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा। अब इसमें वीडियो पहले से इतना बड़ा हो गया है तो उसमें अब कुछ ना कभी कहेगा ना सुनेगा, ठीक है, कभी ही बंद कर देगा। बाकी आप लोग इस चैनल को देखते रहिए इसमें, और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, ठीक है। अब हमें भी काफ़ी मिनट हो गए, हम जानते हैं इसमें देखने वाले देखेंगे पहले ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आपस की बात कर लें इसमें। करते क्या हैं हम लोग कि मित्रों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है और बड़े सौभाग्य से मानवतन मिला है, लेकिन हम लोग क्या होता है आजकल की भागम भाग जिंदगी में, कोई नौकरी में, कोई पेट में, कोई पैसा के लिए, क्या करें, मजबूरियां भी हैं। भगवान ने पेट बना दिया है तो पेट को भरने के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा, आदमी अपना पूरा जीवन उसी में खफा देता है। तो मित्रों, आपके पास में देखो समय हो ना हो, भगवान राम जो है, राम नाम अनमोल बिकात हैं, ये बिना पैसा के बिका रहे हैं, इन्हें पैसा नहीं लग रहा है और इनको पढ़ने की कहीं ज़रूरत भी नहीं है कि आपको कहीं कोई रामचरितमानस पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई श्लोक पढ़ना है। राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग बढ़ावन हारी, ठीक है। हमको जान पाते हैं तब भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, नहीं जान पाते हैं तब भी बोल देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पंडित तो नहीं है, इतने बड़े पंडित होते जो है तो हम और कहीं बैठे होते हैं, यहाँ ना ऑलओवर है ना फॉलोवर हैं, फिर भी बैठे बाँच रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इतने बड़े पंडित ना हैं। आप लोग इंजॉय करिए, मस्त करिए, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो भाई अकुभाए अनखयाल असूँ, भगवान का नाम अपने आप लिया करिए। नहीं होता है तो जय जय श्री सीताराम 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 सीताराम, मोक्षदायिनी है ये मोक्षदायिनी है। भगवान का राम का नाम जो है ये कहीं घर बैठे ही आपको मोक्ष दे देगी। तो बस इतना अनुभव है, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते रहिए और जय जय श्री सीताराम कहिए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम नाम, जय राम श्री राम सीताराम कहिए, जय राम श्री राम सीताराम कहिए। तो मित्रों, यहीं इसी के साथ में हम विराम देते हैं, घंटा ज़्यादा बन गया है, मिनट भी ज़्यादा बन गया है। फिर मिलते हैं कल, और कल आपको नए अध्याय से नई शुरुआत करेंगे इसमें, और देखेंगे कि इसमें कवि ने क्या क्या कैसे क्या और कैसे कहा है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों।